हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राजमणि पांडे और स्वागत है आपका मेरे चैनल एंजॉयिंग मसीद राज पे। तो आज की वीडियो एक क्राफ्टिंग से रिलेटेड है। आज की इस वीडियो में आपको पेपर स्नेल बनाना सिखाऊंगा, पेपर स्नेल। तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड लाइक दिस वीडियो। तो मैं आपको बता देता हूँ बनाने के लिए चाहिए क्या होता है। सबसे पहले आपको चाहिए ये ब्लू और येल्लो ए फोर शीट और एक पेंसिल और एक ग्लू और एक मार्कर और एक सीजर और कंपास और कलर बॉक्स। तो बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो करना होता है वो हमें करना होता है ब्लू कलर के जो ये है उसे हमें एक 9 सेंटीमीटर का वो बनाना है, 9 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है। तो सर्कल बनाने के लिए मैं आपको सर्कल बनाने के बाद मिलता हूँ, ओके। हाँ, तो मैंने एक 9 सेंटीमीटर का सर्कल बना लिया है। सर्कल को हम सीजर की मदद से काटेंगे और काटने के लिए मेरे को वीडियो पॉज करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं पेपर काटने के बाद। तो मैंने एक 9 सेंटीमीटर का एक सर्कल काट लिया है। अब इस सर्कल को रखेंगे साइड पे। अब हम लाएंगे येलो कलर पेपर। अब हमें इस पे भी सर्कल बनाना है पर उसका डायमीटर 7.5 सेंटीमीटर होगा। तो सर्कल बनाने के बाद मैं आपको फिर से मिलता हूँ। तो जी हाँ, मैंने बना लिया है ये सर्कल 7.5 डायमीटर का। तो हमें इसे फिर से काटना पड़ेगा। हमें दोनों सर्कल काटने हैं, फिर आगे की प्रतिक्रिया मैं आपको इसे काटने के बाद बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों, मैंने सर्कल काट लिया 7.5 डायमीटर का। तो इसके आगे की प्रतिक्रिया ये रहेगी कि जो हमारी ब्लू कलर की जो सर्कल है उसे हमें ऐसे करके फोल्ड करना है। फिर से देख लीजिए, ऐसे करके ऐसे। तो जब हम इसे फोल्ड कर लेंगे तो हमें इसको रखना है, देखिए ऐसे। तो ये ऐसे रखा रहेगा। फिर हमें हमारी बारी आती है येलो पेपर की। येलो पेपर में हमें क्या बनाना है, पेंसिल की मदद से हमें स्पाइरल शेप बनाना है इसमें। तो स्पाइरल शेप बहुत आसान है बनाना, देख लीजिए फिर आपको समझ आ जाएगा। होता है ना स्नेल के, मतलब जो सेल होता है उसके पीछे स्पाइरल शेप बनी होती है। वही स्पाइरल शेप बना रहा हूँ मैं। ये देखिए, ऐसी आपको स्पाइरल शेप बनानी है पीछे। अब हमारी इसके बाद की प्रतिक्रिया रहेगी कि इसे हम मार्कर से मार्क करें। तो मैं मिलता हूँ इसे मार्क करने के बाद। तो मैंने इसे अंडरलाइन भी कर चुका है एक मार्कर से। अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि जो ये है, हमने जो इसे फोल्ड किया था उसे हमें इस पेपर के ऐसे लगाना है, इसके पीछे साइड, जिस साइड मतलब प्लेन रहता है ना उस साइड में ऐसे करके लगा देना है इसे, ताकि स्नेल जैसा लुक आए। ये देखिए, फिर यहाँ पे इसकी आइस बनेंगी। तो इसको चिपकाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी ग्लू की, और ग्लू हम लगा देंगे ये जो सेमी सर्कल, हमारा सर्कल को हमने सेमी सर्कल बनाया था उसके हाफ बॉडी पे हम ग्लू लगा देंगे। ये सबसे आसान तरीका है स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए और घर में मतलब सजाने के लिए, इससे आसान तरीका शायद ही आपको मिले। मैंने खुद ट्राई किया ये। तो हमें इसे कैसे चिपकाना है, ऐसे देखिए ऐसे चिपकेगा ये। इसे ऐसे हम चिपका देंगे, ये देखिए स्नेल जैसा लुक आ रहा है। अब अगर हम इसकी आइस यहाँ पे बनाएंगे तो इसे मतलब ये पूरा स्नेल आपका बन के तैयार होगा। उसके बाद भी अगर कुछ अभी प्रतिक्रिया है, नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताऊंगा। अभी क्या करना है, हमें इसको कलर करना है, इसके जो पैरल पार्ट्स थे उसके लिए हमें पड़ेगी कलर्स की ज़रूरत। कलर्स अगर आप ऑयल पेस्टल लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑयल पेस्टल में आपको चाहिए ब्राउन कलर। आपको स्पाइरल के ऊपर मतलब कर देना है, स्पाइरल के ऊपर अंडरलाइन के तरीके से करना है। तो मिलता हूँ करने के बाद। हाँ तो दोस्तों,
मैंने इसे भी मतलब अंडरलाइन कर लिया है। तो अगले हमें अभी और भी हमें कलर करना है इसे। तो अगला कलर हमारा होगा ऑरेंज, ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर हमें क्या करना है, इसके साइड साइड में मतलब ऐसे ऐसे कर देना, साइड साइड में उसके सेल्स का मतलब उसका जो सेल होता है पीछे उसका लुक आ जाए। रुकिए मैं करके दिखाता हूँ आपको, आप चाहें तो इसे और भी अच्छा मतलब बना सकते हैं, मैं तो रफ में बना रहा हूँ। ये देखिए आपको इसे ऐसे साइड साइड में कर देना है, देखिए। तो ये हमारा कुछ ऐसा लगेगा। अब हमें चाहिए आइस बनाने का सामान, आइस आँखें। तो मैंने जो इसे सर्कल काटा था वही पेपर लेंगे, और फिर से हमें ज़रूरत पड़ेगी पेंसिल की। पेंसिल से हमें बड़े बड़े रेक्टेंगल्स बनाने, पतले पतले से रेक्टेंगल्स, ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे बनाने हैं ताकि उसके आँखों का शेप आ जाए। और उसके आँखों को फिर हम काटेंगे। देखिए आप इतना छोटा छोटा बना सकते हैं। इसको मैं अंडरलाइन करके दिखाऊं तो और भी अच्छे से दिखेगा, तो मैं कर देता हूं। ये देखिए अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ऐसे आपको दो दो कर लेनी है, और अब हम करेंगे इसे काटेंगे सीजर की मदद से। तो मिलता हूं मैं काट के। हाँ तो दोस्तों मैंने इसकी आंखें काट ली हैं, कुछ ऐसी कटेंगे इसकी आंखें, और फिर आपको इसके पीछे साइड करके इसे ऐसे लगा देना है, ऐसे। ये देखिए फिर ये कुछ ऐसा लगेगा। अब हम करेंगे इसे, अब हम इसे चिपकाएंगे। चिपकाने के लिए ग्लू चाहिए हमें, और ये लगा दी ग्लू, ये चिपका दिया हमने। दो मिनट, ये लगा दी ग्लू, हमने आंखें चिपका दी इसके यहाँ पे। ये देखिए कुछ ऐसा लग रहा है। अब हमें बनानी है इसकी आंखों की पुतलियाँ, गोल गोल जो होती हैं ये। अब हम फिर से यही वाला लेंगे और इस पे बनाएंगे छोटे छोटे सर्कल्स। ये देखिए ऐसी आंखें बनेंगी। मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाता हूँ, थोड़ा अच्छे से दिखेगा। इसे हम रेक्टेंगल के एंड में लगाएंगे। ये देखिए ऐसी आंखें बनेंगी। अब हम इसे काटते हैं कैंची की मदद से। तो अब मैं आपको काट के मिलता हूँ। हाँ तो दोस्तों मैंने इसकी दोनों आंखें काट ली हैं। अब हमें इसे लगाने हैं स्नेल के ये दोनों बड़े बड़े आँखों पर। पहले हम इसके पीछे पीछे ग्लू लगाएंगे, और ध्यान रखिए आपको यहाँ पे चिपकाना है इस स्नेल के यहाँ एंड पे। रुकिए चिपका के दिखाता हूँ मैं आपको। नीचे ऊपर नहीं चिपकाना है, वरना आपका पूरा स्नेल का ड्राइंग खराब, मतलब स्नेल जो आप क्राफ्ट कर रहे हैं पूरा खराब हो जाएगा। जाइए थोड़ा और लगा लूँ। एक सब्सक्राइब कर दो यार। नीचे रेड कलर का जो रेक्टेंगल टाइप में होगा उसको दबा दो, और बेल आइकन दबा दो। कहाँ गई, दो मिनट में चिपका के मिलता हूँ। हाँ तो मैंने इसकी आंखें चिपका दी हैं। अब सबसे ज़रूरी काम करना है, स्केच पेन लेना है, स्माइल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए ये हमारा स्नेल बन चुका है। फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चों के लिए, प्रोजेक्ट के लिए सबसे सिंपल आइडिया है ये बनाने का। तो ये था एक पेपर स्नेल बनाने का सबसे आसान तरीका। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।